नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज कुमार, आप देख रहे हैं शेखावटी की झलक। नारी वंदन अधिनियम संसद में लागू हुआ है, उसके बाद लगातार महिलाएं खुशियां हाजिर कर रही हैं। आज हम झुंझुनू जिले की विभिन्न महिलाओं से मिले और उनसे बातचीत की कि इस अधिनियम से कितना लाभ होने वाला है, उनके मन के क्या विचार है, इस अधिनियम के बाद में उनकी कितनी खुशियां, ये हम आप लोगों को दिखाएंगे, उनसे बात करवाएंगे। संसद के मायने महिला आरक्षण पर बिल आया है, बिम बी के लेकर तारो के कहना है। सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री जी ने बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, वंदन करती हूँ, क्योंकि उन्होंने हमें वंदन किया है। महिला शक्ति वंदन ऐसा बिल पारित किया है, तो हम उनको नमन करते हैं, बहुत कोटि कोटि धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं। उसके बाद में जो प्रधानमंत्री जी ने अभी तक जो सरकारें आई हैं उनमें से सबसे ज़्यादा परवाह महिलाओं की प्रधानमंत्री जी ने की है। सबसे पहले उन्होंने आर्थिक संबल बनाने के लिए महिलाओं को जनधन खाते खोले, सहायता स्वयं सहायता समूह है में मुद्रा लोन देकर महिलाओं को आर्थिक संबल बनाने के लिए उन्होंने प्रयास किया। उसके बाद में जब महिलाओं की आंखों में पानी आता था, चूल्हे में रोटी बनाती थी, धुएं से परेशान होती थी, तो मोदी जी ने देखा कि मेरी माताएं बहनें हैं वो बहुत दुखी हो रही हैं, तो उनके लिए उज्ज्वला गैस योजना चलाई। उसके बाद में महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत दूर दूर तक पानी लेके आती थी सिर पर, तो मोदी जी ने उनकी परवाह करके उनको जल शक्ति योजना के तहत और स्वच्छ जल हर घर में जल का वो योजना चलाई, तो उसमें प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं की बहुत परवाह की। इसके बाद में उन्होंने देखा कि महिलाओं के सिर पर छत नहीं है, तो उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनको आवास उनको प्रोवाइड किए, और इससे महिलाएं काफ़ी प्रभावित हैं। और मैं ये प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि 27 साल से हमें पहला मौका मिला है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में प्रधानमंत्री जी की अहम भूमिका रही थी, और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ में प्रधानमंत्री जी ने बेटियों को बेटियों के लिए जो योजनाएं चलाई हैं, कन्या समृद्धि योजना है, 18 साल के होने के बाद में फिर उनको पैसे मिलते हैं, फिर उनकी शादी में पैसे मिलते हैं, कन्याओं की बहुत ज़्यादा मतलब जो रेशियो जो है वो बढ़ा है, अभी जो जो रेशियो है लिंग का वो बढ़ा है। तो मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने बहुत ज़्यादा परवाह की है महिलाओं की, मातृशक्ति की, और 27 वर्षों से हमें ये बिल पारित करके हमें ये तोहफा दिया है प्रधानमंत्री जी ने। और प्रधानमंत्री जी ने पहले क्या होता कि राज्य लोकसभा में 14% महिलाओं को आरक्षण था और 11% उसमें राज्यसभा में था, तो अभी क्या है कि राज्य लोकसभा में 454 वोट, सिर्फ 2 वोट अगेंस्ट पड़े हैं, और राज्यसभा में फुल बहुमत के साथ और सर्वसम्मति के साथ ये बिल पारित हुआ है। तो मैं ये सारा काम प्रधानमंत्री जी का है। कांग्रेस के लोग कहते कहते थे 70 साल से वे महिलाओं की कोई परवाह नहीं की, और अभी उनको प्रधानमंत्री जी के अड़ंगा लगाने के लिए खूब प्रयास किया कि वो ओबीसी को नहीं किया, वो नहीं किया, लेकिन प्रधानमंत्री जी का आगे किसी की नहीं चली। आज तक बातें करते आए थे, सिर्फ बिल पास नहीं किया, और 70 वर्षों के बाद में हमें ये तोहफा मिला है। हम प्रधानमंत्री जी को श्रेय देना चाहते हैं पूरा का पूरा, और प्रधानमंत्री जी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी को। जो बिल आया है उसमें आपको कितना लगता है कि महिलाओं को इसे राजनीति में आने का कितना मौका मिलेगा? राजनीति आने में महिलाओं को कम से कम मैं तो सोच रही हूँ 50% मौका मिलना चाहिए, लेकिन 33% मौका तो जरूर मिलेगा। नहीं, आम आप इसको लगता है कि इसमें भी राजनीतिक परिवारों की महिलाएं आगे आएंगी, आम महिलाओं को मौका मिलेगा? ये बात आपने बहुत अच्छी बात कही कि राजनीतिक महिलाएं जो हैं, कार्यकर्ता जो हैं, मैं ये चाहती हूँ कि सारे जो कार्यकर्ता महिला है उनको सर्वप्रथम उनको मौका मिलना चाहिए कि जो कम से कम 20-25 साल से जो कार्यकर्ता हैं और पार्टी की सेवा करके आ रही है, तो उनको ये मौका मिलना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ताओं को टिकट मिलनी चाहिए ताकि वो आगे संवार सके इस पार्टी को। और जब ये बिल पारित हो जाएगा तो जो काम नहीं करती है घरेलू जो औरतें हैं, उनके आदमी जो काम करते हैं उनको टिकट मिल जाती हैं, 5 साल के लिए वो घर में बंद हो जाती हैं, आदमी उनके काम करते रहते हैं, उसमें राजनीति में महिलाओं का बढ़ावा नहीं हुआ है। तो ई को ई के समाधान हुए, राजनीति में आरक्षण तो मिल गयो,
मोदी जी आरक्षण दे दियो, लेकिन बी के बाद में भी जो पुरुष जी का प्रभावी है राजनीति में, तो महिला की बात आओगी तो आपकी महिला ने टिकट दिला देंगा, ई को क्या समाधान होगा? इसका समाधान यही होगा कि भी जो कार्यकर्ता है पहले उनकी मीटिंग ली जाए, जो कार्यकर्ता सक्रिय है उनको सर्वप्रथम प्राथमिकता उनकी होनी चाहिए। थान के लाग रहे प्राथमिकता मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी, कोशिश करेंगे हम, ये कोशिश करेंगे अब की बारी आवाज़ उठाएंगे कि जो कार्यकर्ता काम कर रही है उनको टिकट मिलनी चाहिए, उनको मौका मिलना चाहिए राजनीति करने का आगे। 1952 को जो विधानसभा चुनाव हुए राजस्थान में, बीकर राजस्थान विधानसभा में एक भी महिला विधायक को नहीं, बीकर बाद में 1953 के एक उपचुनाव में एक महिला विधायक बनी, वर्तमान के माई 27 महिला विधायक हैं, बीकर मायू 6 ऐसे की महिला ही जिकी राज परिवार हुआ हैं, 5-4 महिलाएँ की हैं जिकी बाकी परिवार ही राजनीति करने आ रहा है, या कुछ ऐसी समाज की जहाँ ऐसी रिजर्व सीटा ही बैठेगी महिला ही, लेकिन सामान्य सीटा पर महिला चुनाव में प्रतिनिधित्व राजस्थान की विधानसभा में नहीं है, थाने के लाग रहे ये बिल के बाद में कोई फायदा होगा? ये तो महिलाएं हैं जो आगे नहीं आ रही है, अगर कोई महिला प्रयास करेगी तो ज़रूर आगे आएगी। अभी जैसे हर महिलाओं को इंटरेस्ट नहीं होता राजनीतिक क्षेत्र में आने के लिए, तो वो आदमी ही अपनी महिलाओं को उतारते हैं। अगर महिलाएं कोई भी आगे हिस्सा लेंगी तो उनको ज़रूर प्रधानमंत्री जो 33% आरक्षण दिया है तो उसमें ज़रूर महिलाएं अपना जो देश के विकास के लिए जो आगे किया है तो उसमें सहभागिता रहेगी उनकी सभी की महिलाओं की। हाँ, महिलाएँ प्रयास करें कि ज़्यादा राजनीतिक क्षेत्र में हिस्सा लें। तो इन महिला एक्टिव हो में राजनीति में ई के लिए थाई का प्रयास कर रहा हूँ मैं, तो यही प्रयास कर रहे हैं कि आज मैं 10 साल से भाग रहा हूँ, सब लेडीज जो चल रही है बढ़ने पहले आगे अग्रणी पंक्ति में रखा जावे, माने पहले टिकट दी जावे। बात ये सही आप कह रहे हो कि अब उसके जो जेंट्स है आपकी औरता ने तार देंगे, लेकिन मैं लोग कोशिश कर प्रयास यही करांगा जो माने बिल दिया गया है 33% उसका हम ही महिलाएं ही फायदा उठाएं, न कि पुरुषों को लेने दें कि उनको राजनीतिक जो क्षेत्र में पहले से पुरुष हैं वो अपनी औरतों की तार दें। उसके खिलाफ हम आंदोलन करेंगी और जैसा होगा कि हम लोग ज़्यादा प्रयास करेंगे, यही चाह रहे हैं हम। 2026 में यो बिल लागू होगा, थाने कौन लाग रहे हो कि विधानसभा का चुनाव आ रहे हैं बिकॉज जस्ट बाद में लोकसभा का चुनाव आ रहे हैं, तो इस चुनाव में ही लागू हो जाना चाहिए? देखो, कोई भी चीज़ धरातल में उतारने के लिए तो मोदी जी को टाइम चाहिए ना, आज वो सभी की परमिशन लेंगे तो इस बिल को पास करने के लिए। आज ये बड़ी अच्छी बात है कि संसद नहीं चालू हुई उससे पहले ही प्रधानमंत्री जी ने एक महिलाओं के लिए नई योजनाएं कर दी। अब योजनाएं कर दी तो उसको धरातल पर उतारने के लिए टाइम तो लगेगा ना, उसको कोई चीज़ प्रोसेस है, उसको सभी से परमिशन लेनी पड़ेगी, स्टेट को सभी से, तो वो टाइम लगेगा। 2026 में चालू कर देंगे, उसके बाद भी महिलाएँ अथक प्रयास करके अपने आगे राजनीतिक क्षेत्र में आ सकती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को मैं तो यही अपील करूंगी ज्यादा क्षेत्र में आगे आए और देश के विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए आगे प्रयास करें, महिलाएं आगे आए। महिला आरक्षण बिल आया है, बिकमाई थारो के करनो महिला आरक्षण बिल आया है, उसके लिए हमारा तो यही कहना है कि मोदी जी को उसके लिए सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। और ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ उन्होंने दी है महिलाओं के लिए कि महिला आगे बढ़ सके, वरना तो महिला कभी भी आगे नहीं बढ़ सकती थी, पीछे ही रह जाती है हमेशा, क्यों पुरुष लोग उनको आगे आने ही नहीं देते हैं। इसलिए तो बहुत ही अच्छा किया है मोदी जी, आज तक जो भी करते आए हैं ना महिलाओं के लिए सब कुछ अच्छा ही करते हैं उन्होंने। सुकन्या योजना किया, उज्ज्वला का किया, अब सब बहुत अच्छा किया है उन्होंने, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। महिला आरक्षण बिल आया, महिला लगातार राजनीति में सक्रिय कम नजर आ रही थे, महिलाओं की अपील करना चाहोगे कि वे राजनीति में ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें? हाँ बिल्कुल, महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा राजनीति में भाग लेना चाहिए। जब मोदी जी ने अपने को अवसर दिया है जो 33% आरक्षण जो अपने को दिया है तो महिलाओं को उसका फुल लाभ उठाना चाहिए। और ये बिलू कितों लाभ हो बाड़ो है थारे हिसाब थारे विचार के ही? महिलाओं को बहुत लाभ होगा इससे, महिलाओं को राजनीति में आने का मौका मिलेगा, वो आत्मनिर्भर बनेंगी, परिवार को आगे चलाने में उनको अपने पति का सहयोग करेंगी। तो राजनीति के माई जगह पुरुष प्रभावी ही, तो बी तरीकों थान के लगे कि आने वाला जो चुनाव होगा जब वो बिल लागू हो जाएगा तो महिला भी बीती प्रभावी नजर आऊंगी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल नजर आएंगी वो प्रभावी। थारो के कहना है मामला? हमारा तो बस यही कहना है, हम सबका तो हमारी बहन ने कहा ही आपको सब कुछ तो बता ही दिया है हमारी, अब हम क्या कह सकते हैं, मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें 33% वो दिया है, हमें आरक्षण दिया है, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद उनका। संसद का मायने महिला आरक्षण पर बिल पास हुए है, यूँ महिला ने कतोक फायदा हो बड़ो है थे के समझ हो कमाई?
भाई देखो, यो मोदी जी जो काम करे है महिलाओं के लिए एक बहुत बढ़िया ही काम हुए हो। यो महिलाओं के लिए इतना बढ़िया 33% को आरक्षण जो दियो है, यो बहुत बढ़िया। और आगे के लिए भी मतलब महिलाओं के लिए अच्छा, चलो ठीक है आज मैं हाँ मान लो जहियाँ भी हाँ, लेकिन जो आने वाली पीढ़ी है उनके लिए तो बहुत ज़्यादा फायदा हो जाओ ना, लड़कियों के लिए महिलाओं के लिए बहुत ही मतलब। और कितना काम करे मोदी जी, बहुत सारा काम कराया जाए, शौचालय बनाना है और जनधन योजना है, चिरंजीवी योजना है और काफ़ी सारी यहाँ की है जो यहाँ उज्ज्वला योजना है। और सबसे बड़ा काम तो ये करो कि गाँवों के लिए बहुत फायदा हुआ है महिलाओं के लिए, क्योंकि वह शाम होता ही बेचारियाँ सुबह भी अंधेरा ही उन बाहर ना जाना पड़ता, तो उनके लिए जो एक उनको जो शौचालय का जो काम किया ये इन्होंने बहुत ही बढ़िया करा। और मतलब मोदी जी जो है महिलाओं के लिए तो खूब ज़्यादा ही सोचो है वह, और आगे भी मानो उम्मीद है कि वह यही तरीके के लिए महिलाओं के लिए काफ़ी सारा यहाँ का काम करेगा जो कि महिलाओं के लिए फ़ायदा होगा। और जो महिला आरक्षण बिल आयो है यूँ राजनीति में महिला ने कितो फायदा उबड़ो है? देखो राजनीति में भी काफ़ी फायदा होगा, काफ़ी हद तक फायदा होगा। जो तरीका का ये निकाले अभी 33% को निकाले है तो ऐमें महिलाएं भी अब आगे बढ़ चढ़ कर भाग लेगी, क्योंकि उनमें भी अब ये होगा कि भाई ठीक आपा ने रस्तों दिख रहे हो, एक मोदी जी एक रस्तों महिलाओं के लिए खोल दियो है, तो वह आगे बढ़ कर के राजनीति में या कोई भी क्षेत्र में वो महिलाएं भाग लेगी। एक सामान्य महिला आगे बढ़ेगी या जो राजनीतिक क्षेत्र में जो स्थापित परिवार ही बाकी महिलाएं ही बढ़ेंगी? भाई बात यह है, मैं देखो सच्ची बात बता दूं थाने, महिलाओं के बहुत सारी आकांक्षा है मन के अंदर, वह चाहे घरेलू महिला हो या बिजनेस वाली हो या राजनीतिक में हो, जो भी है। सबसे पहली बात तो यह है कि जो साधारण महिला वह भी देख करके जहाँ राजनीति वाली महिला आगे बढ़ा है तो उन्हें देख करके उन्हें भी प्रोत्साहन मिला है कि आपा जो है आगे चलना, तो आपा भी यही तरीके से मीडिया में भी छावांगा, पेपरों में भी आवांगा, उनने भी एक लालसा बढ़ा है। तो क्या है कि सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो हमारा नेता है ना, जो आजकल वाला उठा नेता, वह क्या करे अब ये महिलाओं को आरक्षण को होगा तो वह पहली आगा कूद का आप ही महिलाओं ने आगे लिया होगा, तो बेचारियाँ की जो आकांक्षा है जो मन में दबा रखी है वह चीज़ा जो है उठे की उठे रह जाए। तो मोदी जी से यह और प्रार्थना रहोगी हमारी महिलाओं की कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐ चीज़ पर गौर करो जा कि जो पहली से आजकल वाला नेता चल रहा है वह देखा कि भाई यहाँ नेते 30% को आरक्षण मिल गो है महिलाओं ने, तो वह आपकी बजाय आपकी महिलाओं ने आगे लिया होगा। तो उनके लिए यही कहना चाहूँगी मैं मोदी जी से हाथ जोड़ कर प्रार्थना करूँगी कि जो मीडियम महिला है, जो कि होम मेकर है, आपके होम में रहा है, उनकी भी लालसा वह टीवी भी देखा है ना, और मोबाइल पर भी लागी रहा है, तो उन्हें वह सब चीज़ें दिखा है, तो वह जब देखा है तो उनकी भी लालसा बढ़ा है, लेकिन बस उ ही आकर रुक जाए कि उनको कटे आगे चाल नहीं पावे। तो एक लिए उन्हें ध्यान देना चाहे और बहुत अच्छो मतलब जो महिलाओं के लिए हो रहा है आगे के लिए, देखो मोदी जी चीज़ में ध्यान दे दो तो बहुत ही बढ़िया बात है। महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद लगातार महिलाओं से हम मिल रहे हैं, महिलाएं इस बिल से खुश हैं और उनको आशा है कि इस बिल के बाद में लगातार महिलाओं को राजनीति में आने का मौका मिलेगा और महिलाएं राजनीतिक रूप से भी सशक्त होंगी। जैसे वो अपने परिवार चलाने में अहम भूमिका निभाती हैं, वैसे देश चलाने में भी अपनी अहम भूमिका निभाएंगी। ये सारी चीज़ें महिलाएं अपनी खुशी जाहिर कर रही हैं, आप देख सकते हैं जिस तरीके से महिलाएं लगातार मिठाइयां बांटकर अपनी खुशियां मना रही हैं।